प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार नेमावर में हुई दुखद घटना में दिवंगत हुए टीआई राजाराम वास्कले का अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम कोयडिया में राजकीय सम्मान के साथ सलामी देकर किया गया। देवास जिले के नेमावर थाना प्रभारी कल जामनेर नदी से एक शव को निकालने के चक्कर में खुद भंवर में उलझ गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। बड़वानी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत टीआई को श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग व पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत नेमावर में हुई दुखद घटना में दिवंगत हुए टीआई राजाराम वास्कले के पार्थिव देह को कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत दुखद घटना हुई। हमारे टीआई श्री राजाराम बासकले, जो बड़वानी जिले के ही कोयडिया राजपुर के निवासी थे, अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए वो एक शव को निकालने नदी में कूदे थे, लेकिन दुर्भाग्य से भंवर में फंस गए और हमारे बीच नहीं रहे। वो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनकी पत्नी, 2 बच्चे, 4 साल का बेटा और 1-2 महीने की बेटी है। अब वो मेरा परिवार है। हमारे ऐसे बहादुर साथी राजा राम के चरणों में मैं श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूँ और अपनी कर्तव्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बलिदान दिया। उनका परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और उस परिवार का, छोटे छोटे मासूम बच्चों का और हमारी बहन का हम सदैव ध्यान रखेंगे। उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार के साथ हम खड़े हैं। मैं स्वर्गीय राजा राम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसमें राज्य शासन की तरफ से राज्य सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल जाएंगे। एक बार राजा राम जी के चरणों में। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।